तो आज आए हैं हम गांधीनगर के 11 सेक्टर में, मतलब 11 सेक्टर जाते ही होंगे। ये सेक्टर ऑलमोस्ट केसरिया पार्टी प्लॉट पे है, पर एग्जैक्ट तो नहीं पता पर है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अब पैर रखने की जगह भी नहीं मिली थी, अंदर तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और मैं पतला हूँ इसीलिए मैं ऐसे ऐसे चल रहा था। और तो गाइस लाइक सब्सक्राइब, एंड यहाँ पे ऊपर इतने बड़े गुब्बारे लगे थे, मतलब अब तो जाते ही होंगे, प्रमोशन कर रहे थे, पर पहली बार देते यूट्यूब वाले प्रमोशन करते, इस साला पार्टी प्लॉट वाले भी करते प्रमोशन, ये पहली बार बने। और गाइस यहाँ पे एक बर्फ के पहाड़ थे, वो नकली थे, नकली पहाड़ लगाए थे। और यहाँ पे आगे वो शिव जी की एक शिवलिंग थी, वो भी नकली है, बिल्कुल ऐसे ही हंसी आ रही है। और यहाँ पे ऊपर एक मंदिर था, यहाँ पे इसके अंदर इन बड़ा के पहाड़ के अंदर पता नहीं ये छोटा सा मंदिर था, वो भी बर्फ का था, सब कुछ बर्फ का ही था। और अंदर आया तो पता नहीं अंदर ये पता नहीं डेकोरेशन करी थी, और बहुत गर्मी लग रही थी। फाइनली भीड़ से छूटे हम, फिर बोला मैंने, मैं तो सबसे आगे निकल गया, धक्का मारी ऐसे स्पीड से भागा। एक जगह पे बहुत ज़्यादा रश थी था, तो मैं यहाँ से फटाफट निकला, इतना फटाफट सांस भी नहीं आ रही थी यहाँ पे, ऊपर से इतने पॉल्यूशन यहाँ पे, किसी यहाँ पे वहाँ पे जूते रखते का था ना, यहाँ तक जूते आते भाई, ऐसे लात मार के चल रहे थे। और यहाँ पे गरबा बहुत सारे थे, यहाँ पे बहुत सारे बंदे, एक फोटोग्राफर भी खड़ा था, ये देखो फोटोग्राफर, इतना बड़ा कैमरा देखा नहीं मैंने। और वहाँ पे बर्फ के पहाड़ तो नहीं थे, थैली के पहाड़ थे, पास जाके देखा तो थैली थी, थैली लटका के रखी है भाई। वैसे आप देख सकते हो वहाँ पे मंदिर है, और यहाँ पे स्क्रीन है, और यहाँ पे देख सकते हो गरबा गा रहे सब। और यहाँ पे बहुत देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे बर्फ के पहाड़ इतने उछाड़े हैं, और ऊपर पता नहीं क्या डेकोरेशन की है ऊपर। और यहाँ पे इतना बड़ा एलसीडी लगा है, जिसके अंदर से आप देख सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे लाइट लगी है ऑरेंज वाली, जो अपने कैमरा को म्यूट कर दी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, और आप तो देख सकते हो ना, दूर से देख सकते हो अभी तो, और पास से देख सकते हो, सॉरी देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइस तब तक गाइस बाय, नहीं अभी गाइस अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है, बाद में पिक्चर तो गाइस अभी चालू है मेरे दोस्त, अभी तो ट्रेलर भी बाकी है। और गाइस अब देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, यहाँ पे मैं भी खो सकता हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि यार आपको तो पता ही मैं कितना प्रो हूँ, फिर से ढूंढ लेता हूँ। और यहाँ पे टोयोटा की एक न्यू गाड़ी आई है, हाइलेक्स तो नहीं है, सॉरी टोयोटा, पता नहीं कौन सी मॉडल है, पर लेटेस्ट लग रहा है मेरे को तो, अभी लॉन्च हुआ है। तो गाइस यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है टोयोटा की, ऑरेंज कलर, अरे वाला चल सॉरी ऑरेंज कलर, और एक वाइट कलर की है, ये ऑरेंज जिसके अंदर मैं बैठूंगा अभी। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी शानदार कार है, अभी मैं बैठूंगा इसके अंदर, देख सकते हो कितनी अच्छी है, एक बार ये भी मेरे को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब एक और बार फिर से, और मैं अंदर बैठ चुका हूँ।
अब देख सकते हो मैं अंदर बैठ चुका हूँ और ये ब्लीक ऐसे क्यों डाला मैंने पता नहीं क्यों। और यहाँ पे एक और टोयोटा की खड़ी थी, आगे देख सकते हो वो वाइट वाली कार टोयोटा की, और आप देख सकते हो अभी जाऊँगा देखे दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये है वो कार वाइट कलर की, कितना मस्त लग रही है आई। और फिर से ऑरेंज कार को देखते, इसकी हेडलाइट मेरे को बहुत पसंद है। बाकी अभी ये ऑरेंज कार का शीशा है ना एकदम येलो येलो दिख रहा था अंदर से, येलो येलो तो हो गया पीछे, पीछे भी येलो येलो हो रहा था। और आप देख सकते हो साइड मिरर इसका, और यहाँ से मेरे को भी देख सकते हो हाँ। और मैं इसकी सीट देख के बहुत चौंक गया था साउंड इफेक्ट देखा, साउंड इफेक्ट रियल साउंड इफेक्ट है भाई मेरा, ये मुंह से साउंड इफेक्ट मारता हूँ। और ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर भी, और ये देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़, वहाँ पे बलून है। और गाइस मेरे को तो तब तक है गाइस, बाय बाय।